आज मैं लेकर आई हूँ कहानी, कहानी जो शायद रिश्तों के मारे आपको सिखा दे कि रिश्ते क्या हैं और कैसे निभाए जाते हैं। कहानी का नाम है तितली। राघव रोज छुट्टी के दिन, जब भी छुट्टी होती थी, अपनी नानी के घर के बाहर जो बगीचा बना है ना, वहाँ बैठ जाया करता था। और आज भी रविवार का दिन था, उसने आज भी वैसे ही किया, बैठ गया बगीचे में। पास ही गेंदे का फूल था, वहाँ आई तितली, सुंदर सी पंख फैलाती हुई तितली। उसने किया यूं कि उसको लपक लिया और उसे महसूस करने लगा, और पीछे से उसकी माँ की आवाज़ आई और वो डर गया। उससे अपनी माँ से पता नहीं क्यों इतना डर लगता था, शायद उसके शक्ति स्वभाव से, पता नहीं क्यों लगता था। और उसने अपनी माँ की डर की वजह से उस तितली को इतना कस लिया कि उसके पंख ही टूट गए। और जैसे ही उसके पंख टूटे और वो सहम गया, और पीछे से उसकी माँ खड़ी सब देख रही थी, और उसने अपने कोमल हाथों से उस तितली को फिसल जाने दिया। उसको फिसलता देख राघव के साथ उसकी माँ सुमन भी, पता नहीं ना जाने कितने सालों का दर्द उसने बहा दिया अपनी आंखों से। और उसने 4 साल बाद अपने पति के पास वापस लौटने का फैसला किया। 4 साल बाद उसका पति रोज उसे मैसेज करता था, सुमन वापस आ जा। शायद उसको समझ आ गई कि जो रिश्ते होते हैं ना, वो तितली की तरह होते हैं, इन्हें आजाद रखना चाहिए, ना कि मुट्ठियों में कैद करके रखना चाहिए। और ये सुमन को समझते हुए 4 साल लग गए। 4 साल, और 4 साल बाद उसे समझ आया कि हाँ, रिश्ते जो होते हैं वो तितली की तरह होते हैं, और उन्हें उड़ने देना चाहिए, आजाद रखना चाहिए, ना कि हाथों में पकड़ के उन्हें तोड़ देने की हिमाकत करनी चाहिए, जो कि समझने वाली बात। बस इतनी सी थी ये प्यारी सी छोटी सी कहानी।